दो तिरंगा, हर घर में प्यारे, मना लो आजादी का त्योहार सारे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। अपडेट मीडिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजादी के जिस सवेरे को आज हम सभी यहां पर देख रहे हैं, वो आजादी हमें रातों रात नहीं मिली। इस आजादी के लिए भारत के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सब उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए नमन करते हैं। हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत ने कई वर्षों के बाद आजादी की पहली सुबह की प्राप्ति की थी। इस दिन पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। आज भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और आज भी भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रध्वज तिरंगे को फहराकर पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के अंग्रेज अधिकारी ने गोली मारी थी। तभी से संपूर्ण भारत देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हमें और हमारे देश को ब्रिटिशों से यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। देश की आजादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और खुदीराम बोस आदि। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य भारत देश को ब्रिटिश शासन से आजादी दिलाना था। और काफी अत्याचार सहने और संघर्ष करने के पश्चात फलस्वरूप वे सफल भी हुए। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम कुछ चंद लाइनें हैं। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। अपडेट मीडिया परिवार की तरफ से आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बरियामऊ, विकास खंड हसेरन, जनपद कन्नौज लाल सिंह एवं प्रधान प्रतिनिधि लालू राजपूत की ओर से समस्त गाँव वासियों, नगर वासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही उन्होंने अपने ग्राम पंचायत में बहुत विकासपूर्ण कार्य कराए हैं, जैसे सड़कें निर्माण, गार्डन बनवाना, स्कूलों में अच्छे शिक्षा का प्रबंध, वृद्धा विधवा और विकलांगों की पेंशन बनवाना, ग्राम पंचायत की साफ सफाई कराना और ये और भी प्रगतिशील कार्य कर रहे हैं अपने ग्राम पंचायत में। और इसके साथ ही हमें अपने देश की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना है। अपने घरों के आसपास कूड़ा करकट ना इकट्ठा होने दें, क्योंकि स्वच्छ रहेगा इंडिया तभी तो स्वस्थ रहेगा इंडिया। और इन दिनों आई फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है, तो हमेशा घर से बाहर जाते समय चश्मे का प्रयोग अवश्य करें। अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं। अगर आपके आसपास किसी को आई फ्लू हुआ है तो उसके संपर्क में जाने से पहले चश्मे का प्रयोग जरूर करें। खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद और देखते रहें अपडेट मीडिया 24x7 न्यूज चैनल। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।